हेलो फ्रेंड्स, ये है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं। ये है सोलर चार्ज कंट्रोलर, लिखा भी होगा। तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को आप लगा सकते हैं सोलर पैनल की बैटरी के में और बढ़िया उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सोलर पैनल के कनेक्शन जो वायर होते हैं ये बंधे हैं तो ये कैसे करेंगे, जो ये वायर होते हैं ये कैसे कनेक्शन करेंगे और ये क्या लिखा है SB LV वगैरह, इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। आज मैं दिखाऊंगा इसी सोलर पैनल के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, इसके कैसे कनेक्शन करते हैं और ये अच्छा है कि नहीं। इसको आप अमेजॉन से भी बाय कर सकते हैं। मैंने अमेजॉन के द्वारा ही इसको मंगाया है। मेरा पुराना वाला जो था, मैं आपको दिखा दूँ, वो ख़राब हो चुका है, वो जल चुका है। ये वाला तो ये पैनल आपका जल चुका है, ये मेरा। तो इसी के उसमें आज मैं बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट मैं आपको बताए दे रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी, नो ड्रामा, नो खिच, बिल्कुल सरल भाषा में दोस्तों बता दूं। किसी भी सोलर ऊर्जा के पैनल में इस तरह का जो पैनल होता है, ये छोटा है तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़ा है, पर बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा, एक साइड कंपनी का है। और मैंने अमेजॉन से इसको बाई किया है, इसको अमेजॉन से मैंने 440 रुपये का बाई किया है। आप भी ले सकते हैं, अगर कहीं ना मिले मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं बिना देर किए हुए वीडियो की तरफ और इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, तो ये पैनल है, सौर ऊर्जा वाला कंट्रोलर है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये देखिए लिखा है। सबसे पहले हम इसके ये समझें इनके वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख लाइटों का समझें, ये ओवरलोड लोड ऑन, अगर इस तरह का किसी के पास है तो ये जो लोड ऑन है ये हमेशा, ये ग्रीन कलर की जो जल रही है लाइट, ये हमेशा जलेगी, ओवरलोड होगा तो ये ब्लिंक करेगी। दूसरा है आपका बैटरी लो, अगर बैटरी लो है, कमज़ोर है, तो आपकी ये लाल इसमें जलेगी जब ब्लिंक होगी। SPV चार्जिंग, ये देखिए पीली वाली आपको दिख रही होगी, ये चार्जिंग के लिए, अगर ये नहीं जल रही तो ये चार्ज नहीं हो रहा, ये इसका इंडिकेटर। अब इसके बारे में समझेंगे दोस्तों, इसी में मेन दिक्कत होती है, इसी में बहुत से लोग कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज मैं बताऊँगा कि इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप हम समझिए, S का मतलब होता है सोलर, तो जो सोलर पैनल के वायर होते हैं दो टो प्लस और माइनस के, तो जहाँ S और ये S लिखा है तो इसमें दोनों वायर सोलर पैनल के वहाँ से जो आते हैं वो जुड़ेंगे, एक प्लस वाला इसमें जुड़ेगा और माइनस वाला S इसमें जुड़ेगा। ध्यान रखिए, सोलर पैनल के तार प्लस और माइनस के यहाँ पर जुड़ेंगे। इसके बाद आता है V, ये V प्लस का और ये माइनस का V, इसमें जो बैटरी होती है, बैटरी के जो वायर होते हैं वो बैटरी वाले वायर लगेंगे, चार्जिंग जिसमें पहुंचती है। तो मैं बैटरी के प्लस का एक वायर यहाँ प्लस बी में, और इसका माइनस का जो सिरा होता है वो बी के माइनस में इसमें लगेगा। इसके बाद आपका जो बचा एल, एल जो होता है ये होता है लोड, एल का मतलब लोड, तो प्लस का एल और माइनस का एल, ये इसमें आप अदर कनेक्शन दे सकते हैं, सौर ऊर्जा से पंखा, कूलर, बैटरी, कुछ भी चार्जिंग चला सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसी में वायर करना है। देख के मैं आपको नीचे दिखा दूं, ये मेरे इस वाले में ये वायर सौर ऊर्जा वाला है प्लस का, और इसके बाद सौर ऊर्जा का माइनस का तार मैं आपको दिखा दूं, माइनस का तार ये है, माइनस का तार ये है, तो इसमें आपका लगा हुआ है, इसमें ये वाला, ये सब जगह प्लस का और ये माइनस का। इसके बाद बैटरी का एक बता दूं, ये बैटरी का लगा हुआ है प्लस का, और बैटरी का माइनस का ये लगा है, देखिए ये बैटरी का माइनस का ये लगा है। अब इसके बाद लोड का एक प्लस का ये लगाया हूँ, ये वायर निकल के आए हैं, और माइनस का ये लगा है लोड के लिए, ये देखिए ये वायर आए हैं, ये देखिए लोड के लिए माइनस का ये और प्लस का ये। तो दोस्तों, बस यही वीडियो था,
और कुछ नहीं दोस्तों, ना समझ में आए तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें बढ़िया बढ़िया, किसी से पूछना ना पड़े। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सोलर पैनल, मैंने समझा था कि ये छोटा है, बेकार काम नहीं करेगा। तो दोस्तों और बता दूँ, 12 से 24 वोल्ट तक ये काम करता है, ऑटोमेटिक है, इसमें ऑटोमेटिक कट हो जाएगा लोड होने पर। बहुत ही अच्छा है, किफ़ायती है, मैंने इसको अमेजान से मंगाया है। आप भी अगर सौर ऊर्जा चलाते हैं तो इस तरह का सोलर कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर ज़रूर मंगाएं। और न जानकारी आए तो इसमें जो कनेक्शन वायरिंग है वो इसी के विषय में मुझसे पूछे, मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बस ध्यान रहे, इसमें आपके सौर ऊर्जा के, एक बार और बता दे रहा हूँ, इसमें आपके प्लस और माइनस के, इसमें सौर ऊर्जा के दोनों तार रहेंगे, बी वाले में बैटरी के तार रहेंगे माइनस का, इसमें प्लस, एल वाले में आपके लोड जो आदर पंखा कूलर वगैरह लोड देंगे। दोस्तों बस इसी के बाद आपको इसमें भी बता दूं, आपको इसमें भी बता दूं, इसमें जो रहता है ये पुराना वाला मेरा लगा था, पुराना वाला मैं ये देखे सौर ऊर्जा का प्लस का, इसमें साथ में दिए हैं आपस में, ये प्लस का ये माइनस का। इसके बाद बैटरी का, बैटरी का इन्होंने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, इकट्ठा दे दिए हैं, यहाँ प्लस का, यहाँ ये प्लस का, और ये माइनस का, ये दो ठो छोड़ के तीन दो प्लस के और तीन माइनस के हैं इसमें, तो ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो इसके वजह से मुझे ये वाला लाना पड़ा दोस्तों। तो बस अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, अमेजान से मंगा सकते हैं दोस्तों। तो बस मेरा यही वीडियो था कनेक्शन के लिए, कि आप कनेक्शन कर लें घर में, कोई दिक्कत ना हो, चीज़ ख़राब ना करें। तो बस दोस्तों चलते हैं, जय हिंद जय भारत।